तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करेंगे कि YouTube कैसे पेमेंट करता है, कैसे पेमेंट देता है। पर उससे पहले ये भी बात करेंगे कि YouTube पर मतलब कि कैसे क्रिएट करना है, कैसे वीडियोस अपलोड करना है और किस तरीके से व्यूज़ भी आएंगे वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ पेमेंट किस तरीके से लिया जाता है और कौन कौन सा प्रोसेस है सारा डिटेल बताया जाएगा। आज तक YouTube पर ऐसा डिटेल किसी ने भी नहीं बताया है, तो एक एक करके सारा डिटेल बताने वाला हूँ। तो छोटी से छोटी डिटेल्स भी नहीं छूटने वाली है, इसलिए वीडियोस थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि सारा का सारा जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आती है वो सारा चीज़ें यहाँ पर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है पेपर पर लिख लिया है, तो एक भी चीज़ें जो है अब मतलब कि मिस होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़, आपके नाम पे एक जीमेल क्रिएट करना होता है पहले चैनल बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके नाम पे जो है एक जीमेल क्रिएट करो, वो भी ऑफिशियल होना चाहिए, यानी कि वो जीमेल जो है कहीं और लॉगिन होना नहीं है, ठीक है। मतलब किसी और जगह लॉगिन करना ही नहीं है। सबसे पहले आपका रियल नेम डालना है, फिर एड्रेस डालना है, वो भी रियल वाला, सब कुछ रियल वाला डालना है, ठीक है, उस जीमेल पर। फिर जीमेल क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है यूट्यूब पर जो है एक चैनल क्रिएट करना है। अब यहाँ पर सबसे मेन और ज़रूरी चीज़ आ जाता है, वो है चैनल का नेम, ठीक है। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ जो है यहाँ पर आ जाता है वो है चैनल का नाम। अब यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, कुछ भी दे देते हैं चैनल का नाम और बाद में जो है बार बार चेंज करते रहते हैं। ऐसा करने से बाद में जो है आपको परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक चैनल का नाम, एक यूनिक चैनल का नाम जो है सोचना होगा। तो दोस्तों अपने नाम के चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हो तो पहले से वो पड़े ही होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सेम नाम तो होता ही है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है अपने खुद के नाम से चैनल बना लेते हैं। इससे होता ये है कि कोई भी उस नाम से सर्च करता है तो दूसरा चैनल आ जाता है और उस चैनल को लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चैनल का नाम चूज़ करने से पहले ये समझना होगा कि आप किस टाइप के वीडियोस डालना चाहोगे। जिस टाइप के आप वीडियोस डालना चाहोगे उस टाइप का चैनल का नाम रहना ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, चैनल का नाम कुछ और होता है और वीडियोज़ कुछ और डाल रहे होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरा चैनल, जैसे कि मैं डांसिंग सिखाता हूँ और यहाँ पर लिख दूंगा ब्लॉग विकेस, बस इतना लिख दूंगा और उस पर जो है डांसिंग रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, सिंगिंग रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डांसिंग रिलेटेड चैनल है तो चैनल का नाम भी ऐसा ही होना चाहिए और कंटेंट भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर अलग अलग होते हैं तो ये समझ लेंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ब्लॉग विकेस लिखा हुआ है तो वो सोचेंगे कि ये ब्लॉग चैनल है, ये कभी कभार सिर्फ डांसिंग का वीडियोस डालता है, तो हम जो है इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे या फिर रेगुलर विजिट नहीं करेंगे, ऐसा सोचेंगे। तो इसीलिए जो भी नाम डालना है सोच समझ कर डालिएगा, यानी कि आपके जो कैटेगरी है, आपके जो वीडियो का टॉपिक है, उसी के हिसाब से आप जो है चैनल का नाम यहाँ पर डालिएगा। चैनल का नाम डालने से पहले एक बार ज़रूर से उस नाम को यूट्यूब पर सर्च कर लेना। सर्च करने से क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही सर्च करोगे तो वो चैनल अगर आता है, कोई सा भी एक भी आता है, तो उस नाम से चैनल मत बनाइएगा। अगर कोई भी चैनल नहीं आता है तो कंग्रेचुलेशन, इस नाम से आप जो है आप अपना चैनल को बना सकते हो। आप यहाँ पर चैनल तो चूज़ कर लिया, चैनल बना लिया, चैनल बनाने के बाद ये कंप्लीट नहीं हुआ है इसमें, और आप पूरी तरीके से ये चैनल जो है क्रिएट नहीं हुआ है, आप इसमें और ज़्यादा मिर्च मसाला डालना ज़रूरी है, ठीक है, तभी जाके यहाँ पर टेस्ट आएंगे, चैनल पूरा का पूरा खड़ा होगा। सबसे पहला चीज़ आपको करना क्या होगा, चैनल को कस्टमाइजेशन करना होगा। अब ये चैनल कस्टमाइजेशन क्या है वो मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, यही असली चीज़ है मिर्च मसाला चीज़, ठीक है, ताकि तड़का लगाओगे तभी तो आपका चैनल जो है लोगों को पसंद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सबसे पहला चीज़ आपको कैटेगरी चूज करना होगा इस चैनल पर, दूसरी चीज़ आपको जो है आपका चैनल का बैनर लगाना होगा, तीसरी चीज़ आपका जो लोगो है उसे लगाना होगा, आपका बायो सेक्शन यानी कि जो लास्ट में होता है चैनल के, बायो लिखा होता है, या फिर यहाँ पर अबाउट सेक्शन लिखा होता है, वहाँ पर जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, वहाँ पर आपको लिंक डालना होगा ट्विटर, फिर आपको फेसबुक, फिर आपका जो होता है इंस्टाग्राम, इन सब का जो है आपको यहाँ पर लिंक डालना होता है, सब कुछ डालना होगा। सब कुछ डालने के बावजूद अभी भी जो है कुछ रेसिपी बच गया है, यानी कि आपको और कुछ डालना होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। फिर आता है दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप क्या है, चैनल वेरिफिकेशन, फिर आता है आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये दोनों चीज़ आप बता दे दूंगा, ठीक है, फिर जाकर आपका चैनल क्रिएट होगा, या फिर ऐसा कह सकते हो आपका चैनल जो है कंप्लीट होगा। चैनल तो क्रिएट कर लिया है, चैनल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आपको मोबाइल नंबर को लिंक करना होता है आपकी यूट्यूब से, यानी कि आप एक ओनर हो इसका एक सबूत रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका मोबाइल नंबर डालना होगा यूट्यूब पर, और फिर आपको जो है एक ओटीपी आएगा, और फिर उस ओटीपी को डालते ही
वेरीफाई योर चैनल इज़ वेरीफाई ऐसा कुछ लिखता है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के, और इस प्रोसेस को हम चैनल वेरिफिकेशन कहते हैं या फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इसे वेरिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप जो है कुछ चीज़ें जो है नहीं कर पाओगे, जैसे कि आप लंबी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाओगे, 15 मिनट से ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाओगे लंबा वीडियो, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप थंबनेल नहीं लगा पाओगे, थंबनेल बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ यह है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग कभी भी नहीं कर पाओगे अगर आपने चैनल वेरीफाई नहीं किया है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर टू स्टेप वेरीफिकेशन, ये हैकर से बचाने के लिए आपके चैनल को, जो कि मतलब कि आप जो है कोई अगर हैक करने की कोशिश करेगा तो आप आपके चैनल को हैक नहीं करवाएगा, इसे हम टू स्टेप वेरीफिकेशन कहते हैं, जिसे जो है आप मतलब कि जीमेल पे भी कर सकते हो और इधर भी कर सकते हो, ठीक है। जो कि आपको पता होगा मोबाइल नंबर से ही उसे जो है वेरीफाई किया जाता है, टू स्टेप वेरीफिकेशन, इसे ऑन करना ज़रूरी है, इसे ऑन करके रखना है। अब यहाँ पर सारा मिर्च मसाला और जो है रेसिपी का जो है सारा का जो तड़का वगैरह सब कुछ लग चुका है। अब ये आपका जो चैनल है वो क्रिएट हो चुका है, एक अच्छा सा चैनल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब आगे आपको करना क्या होगा, आगे आपको वीडियोस क्रिएट करना होगा, वीडियोस बनाना होगा। लेकिन वीडियोस बनाने से पहले एक थंबनेल बनाना ज़रूरी है। किस तरीके का थंबनेल बनाओगे, किस तरीके का वीडियोस बनाओगे, पहले तो आपको सोचना होगा कि किस तरीके का वीडियोस बनाना है, उसी हिसाब से आपको उस थंबनेल को डिज़ाइन करना है और फिर एक थंबनेल क्रिएट कर लेना है, ठीक है, और फिर वीडियो शूट कर लेना है। अगर वीडियोस में कहीं भी इंटरेस्टिंग पार्ट है तो उस पार्ट को कैप्चर करके थंबनेल पर लगा देना है, ऐसा भी कर सकते हो। फिर आपको वीडियो को मतलब कि एडिट करना है, एडिट करने के बाद यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करते समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, यहाँ पर जो है आपको थंबनेल लगाना है, फिर टाइटल लगाना है, फिर टैग लगाना है, फिर डिस्क्रिप्शन लगाना है। अब इन तीनों जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। टाइटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके चैनल को ग्रो करने के लिए, आपके वीडियोस को मतलब कि व्यूज़ लाने में। सबसे पहले टाइटल, जिसके बारे में वीडियोज़ है उसी चीज़ को टाइटल पर लिखना है, और जिसके बारे में आपका मतलब कि डिस्क्रिप्शन जो लिखना है वो जो दोस्तों आपको वीडियोस के बारे में सब कुछ लिख डालना है कि कहाँ गए थे या फिर किसके बारे में है, उन सारा चीज़ें को आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है। प्लस आपको डालना होगा आपका लिंक वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पर डालना होगा, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर कुछ भी, ठीक है, फेसबुक का लिंक भी आप डाल सकते हो, यहाँ पर आपको डालना है डिस्क्रिप्शन पर, और उन्हें बोलना है कि वहाँ पर क्लिक करें तो आप मेरे अकाउंट पर पहुँच सकते हो, ठीक है। इस तरीके से जो है डाला जाता है। डालने के बाद अब यहाँ पर टैग डालना होगा, 500 से ज़्यादा वर्ड आप नहीं डाल सकते हो टैग, ठीक है। तो जो भी वीडियोस है लोग क्या सर्च करेंगे उसके बारे में आपको टैग में थोड़ा बहुत डाल देना है, इससे क्या होगा कि आपका जो वीडियोस है वो सर्च रिजल्ट्स पर जल्द आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, फिर आपको यहाँ से जो है व्यूज़ लाना पड़ेगा। आप यहाँ पर जो है चैनल क्रिएट हो गया, वीडियोज़ अपलोड हो गया, थंबनेल अपलोड हो गया, सब कुछ हो गया, आपको व्यूज़ लाना होगा। व्यूज़ क्या लाना होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको जो है चैनल को मोनेटाइज करना होगा। मोनेटाइज करने के लिए सबसे पहले आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटा वॉच टाइम जरूर से चाहिए एक साल में, या फिर आपको 3 महीने के अंदर 10 मिलियन व्यूज़ मतलब कि आपको गेन करना होगा शॉर्ट वीडियो पे। अगर आप शॉर्ट वीडियो नहीं बनाते हैं तो आपको जो है 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 आवर वॉच टाइम यानी कि 4000 घंटा वॉच टाइम आपको ज़रूर से मतलब कि गेन करना होगा, फिर जाके आपके चैनल मोनेटाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये एक क्राइटेरिया है, ठीक है, यूट्यूब का माइलस्टोन कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इसे कंप्लीट करने के बाद आपका चैनल जो है रिव्यू में जाएगा, रिव्यू में जाने के बाद मोनेटाइज इनेबल हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अभी एक चीज़ आता है, एडसेंस नाम से एक जो है अकाउंट क्रिएट करना होगा गूगल पर, एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होगा अपने नाम पर, उस जीमेल आईडी पर आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना होगा, एक जीमेल आईडी जो कि मैंने बताया कि रियल नेम सब कुछ, रियल एड्रेस सब कुछ सेम रहना चाहिए, क्योंकि ये बाद में बहुत बड़ा जो है दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बाद में जो है इधर उधर हो गया ना, तो ये सब कुछ रियल होना चाहिए, क्योंकि एडसेंस सिर्फ एक आदमी को एक ही बार देता है और एक ही अकाउंट देता है, दूसरी बार नहीं देता, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ एरर वगैरह दिखा देता है, फिर बाद में जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या होगा, एक एडसेंस क्रिएट करना होगा रियल नेम से, जो रियल नेम है उसी नाम से क्रिएट करना होगा, और वो जो भी नाम होगा वो आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो या फिर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, उस पर सेम रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसे बाद में मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो सेम रहना चाहिए और उसी नाम से आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लिया, आप एडसेंस अकाउंट को यूट्यूब पर लिंक करना होगा।
जैसा ही एडसेंस अकाउंट यूट्यूब से लिंक होगा आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो रन करने लगेगा और यहाँ पर अभी जो है जो भी अर्निंग होगा वो यहाँ पर आप दिखाने लगेगा, एडसेंस पर भी दिखाएगा, जो भी अर्निंग होगा वो दिखाएगा, आपका जो पब्लिशर आईडी है वो भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, आपका नाम वगैरह सब कुछ दिखने लग जाएगा। तो एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो गया, अब आपका जो चैनल है वो दो चार घंटे के लिए, आजकल जो है आज के डेट पे जो है दो चार घंटे के लिए जो है रिव्यू में चला जाता है, क्योंकि कंप्यूटराइज रिव्यू होता है तो रिव्यू में चला जाता है, कहीं कोई आपका जो है मतलब कि कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं है, कहीं आपका अगर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन तो वीडियोस कुछ इधर उधर के होंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो साफ़ सुथरा रखिएगा। जैसे ही आपका मतलब कि रिव्यू में जाएगा आपको दो तीन घंटे के अंदर ईमेल आ जाएगा कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है, आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया। अब यहाँ से बहुत बड़ा चीज़ें जो है हो जाता है, क्या यहाँ से जो है डेंजर जोन में आ जाते हो आप, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से सारा चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, एक बच्चे की तरह ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक एक स्टेप जो है अगर संभाल के नहीं रखोगे तो यहाँ पर जो है नीचे धस जाओगे, ठीक है। सबसे पहला चीज़, अगर कोई भी कॉपीराइटेड वीडियोस बनाते हो तो यहाँ पर अगर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो जितना भी पैसा अर्न करोगे किसी और को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, जो कॉपीराइट ओनर होगा, सॉन्ग के ओनर होगा, उन्हें मिलेगा। दूसरी बात, अगर तीन स्ट्राइक मिल जाता है कम्युनिटी गाइडलाइन तो आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपको जो है पैसा नहीं मिलेगा, फिर से आपको एक चैनल क्रिएट करना होगा और मोनेटाइज करना होगा, बहुत ज़्यादा झमेला हो जाएगा। और चौथी बात ये है कि आपको जो है कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाना है जिससे जो है मतलब कि कभी भी ऐसा उल्टी सीधी चीज़ें ही नहीं बनाना है जिससे बाद में आपको जो है परेशानी हो सके, ठीक है। अब आपको वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड करते रहना है और व्यूज़ लाना है, व्यूज़ इज इक्वल टू मनी, यानी कि जितना ज़्यादा व्यूज़ लाओगे उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा। अब यहाँ पर होगा ये कि जैसे जैसे व्यूज़ आता चला जाएगा यहाँ पर $1, $2 होता चला जाएगा, अब आपको एडसेंस पर $10 कंप्लीट करना होगा, $100 नहीं, $10 बोल रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ, ठीक है, $10 कंप्लीट करना होगा। जैसे ही $10 कंप्लीट करोगे वहाँ पर एक एक्शन नाम का बटन आ जाएगा, ठीक है, एक्शन नाम के बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर वेरीफाई के लिए बोलेगा। अब ये कौन सा वेरीफाई है, ये एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, एड्रेस क्यों वेरीफाई करेगा वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले एड्रेस वेरीफाई के लिए आ जाएगा तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका वोटर आईडी हो, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट से इशू किया गया हो तो यहाँ पर आपको जो है आपका नाम वगैरह, एज वगैरह सब कुछ यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो भी वोटर आईडी होगा उसका फ़ोटो काट के जो है यहाँ पर क्लिक कर कैप्चर करके आपको जो है यहाँ पर अपलोड करना होगा, और फिर एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर सही से मेंशन करना है। एड्रेस देते टाइम यहाँ पर और एक चीज़ डालना है, वो है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने से क्या होगा कि आपके पास जो है वो कॉल आएगा, कॉल कैसे आएगा वो भी मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है आपका नाम वगैरह सब कुछ डाल देना है, मोबाइल नंबर भी डाल देना है, एड्रेस के सेक्शन पर ही डाल देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर सेक्शन भी होता है लेकिन उस पर जो है काम नहीं करता है, तो आपको जो है मोबाइल नंबर भी डाल देना है मोबाइल नंबर के सेक्शन पे, और एड्रेस पर भी आपको जो है मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे, ये हमने किस लिए सबमिट किया, क्योंकि हमारे घर एक 6 डिजिट का पिन आने वाला है, ठीक है। एड्रेस वेरिफिकेशन मतलब आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपके घर एक पिन भेजा जाएगा, 6 डिजिट का पिन, ठीक है, यूट्यूब की तरफ से, सॉरी एडसेंस की तरफ से एक 6 डिजिट का पिन भेजा जाएगा आपके घर पर, ठीक है, जो कि आपको जो है उस पिन को ला के भरना होता है। इसलिए आपको जो है आपको एड्रेस पर ही आपका जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है, क्यों है, क्योंकि उस मोबाइल नंबर लिखा होता है उस पर अगर मोबाइल नंबर डालते हो तो वो जो है उस पेपर पर नहीं छपता है, ठीक है, उस पोस्टल के पेपर पर नहीं छपता है, इसलिए एड्रेस पर अगर डाल दोगे तो वो छप जाएगा और आपका जो मतलब कि जो भी आपको ला के देगा वो पोस्टमैन वो आपको कॉल करेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का गुम हो जाता है क्योंकि एड्रेस सही से नहीं लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है, या फिर कुछ भी हो जाता है और जो है वापस रिटर्न हो जाता है, इसलिए बोलता हूँ कि आप जो है एड्रेस पर ही मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आपको जो सबमिट तो कर दिया आपने, आप यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि दो से चार वीक के अंदर जो है आपका जो है वो लिफाफा आता है, पोस्ट के जरिए जो है वो पेपर आता है जो कि 6 डिजिट का पिन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके एडसेंस पर टू डू करके लिखा होगा, ठीक है, एक खाली जगह होगा 6 डिजिट का पिन डालने के लिए। जैसे ही वो पिन आएगा आपको उस पिन को फाड़ के वहाँ पर देखना है, वहाँ पर
छः डिजिट का पिन होता है, उस पिन को यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट करना है। मान लेते हैं वो पिन नहीं आता है, तो आप यहाँ पर जो है एक चीज़ कर सकते हो, वो है कि जीमेल के थ्रू भी जो है आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग ये अपनाते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है ऐसा नहीं किया था, मैंने जो है पोस्टल के थ्रू जो है उस पिन को मंगवाया था और पिन भी आ गया था और मैंने भर दिया था, जो 2 से 4 वीक के अंदर आ जाता है और उसे आपको भरना होता है। भरने के बाद आपका जो एडसेंस है वो एड्रेस वेरीफाई हो जाता है। अच्छा, आप कैसे पता चलेगा कि आपका एड्रेस जो है वेरीफाई हुआ है या नहीं? आपको एक मेल आएगा और वहाँ पर लिखा होगा कि आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई हो गया है, ऐसा लिखेगा। ठीक है, 2-4 घंटे के अंदर, यहाँ पर 24 घंटे के अंदर आ जाता है। ठीक है, वहाँ पर आपका जो मेल है वो आ जाता है, वहाँ से पता चल जाएगा कि आपका जो मेल एड्रेस है वो वेरीफाई हो गया है। फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करना होगा। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि यहीं से पैसा आता है और यही सब कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है अकाउंट टाइप लिखा होता है, तो इंडिविजुअल करना होता है। ठीक है, बिजनेस और बिजनेस दिया होता है और इंडिविजुअल दिया होता है, तो इंडिविजुअल करना होता है। फिर आपका नाम डालना होता है, फिर नेम ऑन बैंक अकाउंट लिखा होता है, तो बैंक में क्या नाम है उसी को डालना है। फिर आपको यहाँ पर लिखा होता है कि अकाउंट नंबर लिखा होता है, रीटाइप अकाउंट नंबर लिखा होता है, फिर फिर बैंक का नाम लिखा होता है, फिर IFSC कोड लिखा होता है, फिर यहाँ पर स्विफ्ट BIC कोड लिखा होता है। और जिसको लेके बहुत सारे लोग इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक मैनेजर बोलता है हमें नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है स्विफ्ट BIC कोड को अच्छे से फाइंड करना होगा, इंटरनेट पर मिल जाएगा। ठीक है, 2-4 जगह पर आप चेक कर लेना, सही है तो आपको लगा देना है। मैंने वीडियोस बना लिया है इसके बारे में पहले से ही, ठीक है, पड़ा हुआ है मेरे चैनल के अंदर, तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है स्विफ्ट BIC कोड को डाल देना है और फिर यहाँ पर जो है सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको जो है कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करना होगा, व्यूज़ लाना होगा और फिर आपको जो है एडसेंस पर $100 करना होगा। अब मान लेते हैं $100 कंप्लीट हो गया इस महीने में। ठीक है, कंप्लीट हो गया, खुशी की बात है। अब $100 कंप्लीट होने के बाद अगले महीने को, इस महीने कंप्लीट हो गया, अगले महीने को 21 तारीख को, ठीक है, 21 तारीख को एक ईमेल आएगा आपको, क्या लिखा होगा यहाँ पर, हमने जो है आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया है बैंक को, आप 5 बिजनेस डे के अंदर आप चेक करना, आपका जो पैसा है वो मिल जाएगा, यहाँ पे आप जो है बैंक से संपर्क कर सकते हो, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको जो है 21 तारीख से 27 तारीख के दिन तक जो है पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता यह है 21 तारीख को आपका जो है बैंक में आ जाता है और 21 के साथ जो है आपको 2-4 दिन जो है यहाँ पर जो है मतलब के फंड को जो है यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, पैसा को आपका जो है डॉलर को एक्सचेंज करते हैं, इसलिए इतना टाइम लग जाता है। आप 25, 26, 27 तारीख को एक मैसेज आएगा, ठीक है, एक मैसेज आएगा और यहाँ पर लिखा गया होगा, क्या लिखा गया होगा, योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड, इतना रुपया डेबिटेड हो गया है, ऐसा लिखा होगा, आपका अकाउंट नंबर दिया होगा और फॉरेक्स ट्रांजेक्शन लिखा होगा। ठीक है, यानी कि बाहर का पैसा है इसलिए ऐसा लिखा रहेगा, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन लिखा होगा पैसा, और फिर यहाँ पर डेबिटेड के साथ साथ क्रेडिटेड भी लिखेगा। क्यों लिखेगा, क्योंकि वहाँ का चार्जेस भी जो है यहाँ पर लेने वाला होगा, तो इतना रुपये जो है वो काट लेगा उसके हिसाब से। ठीक है, आपका जितना बैंक आपका लेता है उतना हिसाब से वो जो है काट लेगा आपका पैसा, और इस तरीके से जो है आप अपना जो है पैसा पा सकते हो। अब आप जितना पैसा मिला है उस पैसे को आपके YouTube की ज़रूरत की जो इक्विपमेंट है उसे खरीद लेना है। ठीक है, और आपके YouTube जर्नी को आगे बढ़ा लेना है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है YouTube का पैसा हमारे घर तक पहुंचता है। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। अगर आपको ऐसे ही YouTube वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।